विश्व हिंदू परिषद के उच्च पदाधिकारियों के निर्देश अनुसार विश्व हिंदू परिषद महानगर मुरादाबाद द्वारा आदरणीय अमित गुप्ता विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष के नेतृत्व में टाउन हॉल प्रखंड में दीपावली के शुभ अवसर पर 11 समाज के बीच मिष्ठान वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शुभ अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की करनी और कथनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद समर सत्ता के भाव में हिंदू समाज की प्रत्येक वर्ग को अपने साथ लेकर चलने लगा है और कहा, भारत का हर हिंदू चाहे वे किसी भी समाज से आता हो, वे हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। हिंदू समाज एक विशाल वट वृक्ष के समान है, जिसमें हजारों शाखाएं लाखों पत्ते साथ जुड़े रहते हैं। इसी तरह हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग भी विशाल वट वृक्ष के समान है। हमें सभी के सुख दुख के साथ रहना चाहिए। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद सह मंत्री अनिल कटारिया, टाउनहाल प्रखंड अध्यक्ष नवदीप कुमार सिंह, टाउनहाल प्रखंड संयोजक विनय ठाकुर, जग्गा भाई राजेश, अनिल जगलाल, विनोद किशोर, सुनील, रमेश चंद्र आदि मौजूद रहे। क्या अपना आज सर्वप्रथम विश्व हिंदू परिषद की ओर से हम सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये निवेदन करते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, दीपावली को हम सभी कोरोना काल का प्रोटोकॉल के तहत ही मनाएं, भीड़भाड़ से बचें और अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। आज क्या कार्यक्रम क्या आज का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार हमने टाउनहाल प्रखंड क्षेत्र में अपने हमारे जो भाई हैं 11 समाज से आते हैं उनके बीच में मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया है। हमारे उप महानगर अध्यक्ष महोदय, हमारे सहमंत्री जी एवं अन्य संगठन के पदाधिकारीगण इसमें शामिल हैं और सभी ने इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और हमने क्योंकि अब विश्व हिंदू परिषद का एक जो लक्ष्य था राम मंदिर को बनने का, राम मंदिर अब हमारा बनने लगा और वो हमारा कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य है हम हिंदू समाज जो छोटे छोटे भागों में बटा पड़ा है, अब हम उसको साथ में लेके आएं, बिखरे समाज को एकजुट करें, समझे। विश्व हिंदू परिषद का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि हम सभी को साथ लेके चलना है, सभी को साथ में लेके चल के उनके जो भी परेशानियां उनका भी समाधान कराने की प्रयास करना है और जो दबा कुचला समाज है हमारा उसको भी हम संग साथ ऊपर लेके आए, हमारा ये प्रयास है। समरसता के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सभी के सुख दुख में विश्व हिंदू परिषद जो है वो शामिल होना चाहता है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की करनी और कथनी में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं रहा है, ये सत्य है और यही हम करके दिखाना चाहते हैं।